मॉर्निंग स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईएनटी चैप्टर नंबर टू द ह्यूमन बॉडी पार्ट वन। ये सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं, एक्सरसाइज भी लिख ली है। अभी हम उसका रिवीजन करेंगे, जो जो लेसन के मेन टॉपिक्स हैं कि जो आपको आगे के स्टैंडर्ड में काम आ सकते हैं उसका हम ज़्यादातर रिवीजन करेंगे। द ह्यूमन बॉडी पार्ट वन, फर्स्ट पार्ट है ऑर्गन्स। आप देख सकते हो कि हमारे लिए जो बॉडी है उसको हम एक तरह का मशीन भी कह सकते हैं। ओके, अवर बॉडी इज अ लिविंग एंड थिंकिंग मशीन। लिविंग है और थिंकिंग, सोचने वाला मशीन। मशीन तो बहुत होते हैं और सोचने वाले नहीं होते हैं, हमारे ऑर्डर के मुताबिक काम करते हैं। जैसे रोबोट बनाते हैं हम, तो रोबोट को हम जैसा ऑर्डर देते हैं वैसे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, पर वो कभी अपने दिमाग से सोचकर काम नहीं कर सकते। ओनली ह्यूमन इज अ लिविंग एंड थिंकिंग मशीन और इट कैन डू मैनी डिफरेंट टास्क दैट इवन मोस्ट पावरफुल मशीन्स एंड कंप्यूटर्स मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस है वो अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, इवन बहुत ही हार्ड मशीन्स भी बना सकते हैं जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर और बहुत डेवलप भी कर सकते हैं, बहुत सारी सर्च भी कर सकते हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क भी कर सकते हैं। जैसे हम हमारे लिए सोचे तो हम सब सुबह उठकर रात को सोते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम मॉर्निंग टू नाइट हम कितने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, खाना पीना सोना दौड़ना उठना एक्सरसाइज करना बोलना सोचना पढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क डन बाय अवर बॉडी। तो ये सब कौन करता है? ऑर्गन्स। जैसे सेंस ऑर्गन के बारे में आपको पता है ना, सेंस ऑर्गन्स। तो कितने सेंस ऑर्गन्स हैं टोटल? फाइव, आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। आपने नोज से तो आपको पता चल गया कि क्या
इन अ टर्म। कुछ 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 गेम्स में क्या होता है, आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह में कुछ भी फूड आइटम रखकर उनको टेस्ट बोलते हैं कि ये कौन सी चीज है। तो जैसे जलेबी रखे तो आप थोड़ा सा खाकर तुरंत बोल देते ये जलेबी है। समोसा का पीस रखते तो आप तुरंत बोलोगे ये समोसा है। आपने देखा भी नहीं, किसी ने बोला आपने सुना भी नहीं, आपने स्मेल भी नहीं की, पर आपने टंग से क्या किया, टेस्ट किया। टंग में टेस्ट वर्ड्स आए हुए होते हैं, तो वो सारे टेस्ट वर्ड्स हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का रियलाइज करवाते हैं। स्किन, हमारा पूरा बॉडी स्किन से कवर्ड हुआ है। ओके, आपको कोई भी पार्ट बिना स्किन का नहीं दिखेगा बॉडी में, और होल बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। तो अब ये फील कैसे, स्किन हैव फर्स्ट टू फील कि अगर कोई गर्म पानी या गर्म चीज हमने टच कर ली तो तुरंत हमारा हाथ ऐसे हो जाएंगे। हाथ पर गर्म पानी गिरा तुरंत हमें फील होगा कि ये तो मेरा हाथ जल रहा है। अगर ठंडा पानी गिरा तो भी आपको फील होगी, हॉट एंड कोल्ड की सेंस होगी। हॉट एंड कोल्ड उसके अलावा ऐसे प्रिंकल करे कोई, आपको चुभाए कोई चीज़ तो भी आपको एहसास होगा। फिर आपको बाय टचिंग कोई भी चीज़ सॉफ्ट है, रफ है, स्टिकी है, आप बाय टच स्किन को फील करके आप उसको दिखा सकते हो कि ये चीज़ कैसी है। ओके, तो सेंस ऑर्गन वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, एंड स्किन हेल्प अस टू फील। ओके, तो ये ऑर्गन्स के बारे में हमने इसके रिलेटेड ये टॉपिक किया। अब है ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो सब मिलकर एक सिस्टम बनती है, और वो सिस्टम पर्टिकुलरली कोई फंक्शन करती है। तो अभी हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गन सिस्टम, नंबर वन है उसमें द नर्वस सिस्टम। अभी हम पहले ये दो सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर वन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कि जैसे अभी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया कि अगर हमारा बॉडी कोई गर्म चीज को टच कर लिया तो तुरंत मैसेज कन्वे होता है नर्व्स थ्रू रिपोर्ट से ब्रेन में कि हाथ को गर्म लगा। ऑन द स्पॉट ब्रेन में से मैसेज आ कि हाथ ले लो। तो ये जो मैसेज पास होता है सेंस ऑर्गन थ्रू ब्रेन एंड ब्रेन थ्रू सेंस ऑर्गन, इस सिस्टम को कहते हैं
नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी के पूरे सारे काम का वो हैंडलिंग करता है नर्वस सिस्टम। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है बैक में, उसमें भी नर्व्स आई हुई है। वो नर्व्स थ्रू ब्रेन में मैसेज जाता है, ब्रेन में से मैसेज रिटर्न होता है। तो इस तरह से जो मैसेज रिटर्न और बैक होता रहता है, सेंडिंग एंड रिटर्न मैसेज, तो ये सिस्टम को कहते हैं द नर्वस सिस्टम। इसमें कौन से ऑर्गन्स कंसिस्ट है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द सेकंड द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा ये जो पूरा बॉडी है वो बोन्स से बना हुआ है। बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट है, बराबर। अगर बोन्स ना होते तो हमारा बॉडी शेपलेस हो जाता, हम ऐसे ठीक से खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, शेप ही नहीं होता बॉडी का प्रॉपर। तो द स्केलेटल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड एडल्ट हैज 206 बोन्स। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। अब ये जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है वो क्या काम करती है, इसका फंक्शन बताओ। Thank you.
मसल्स, ये जो हमारे मसल्स होते हैं हैंड्स के लेग्स के, तो इट कंट्रोल द मसल्स एंड देन डन ऑल द एक्टिविटीज. ओके, कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो जो मूवमेंट्स होती है कि झुकते हैं, खड़े रहते हैं, बैठते हैं, वॉक करते हैं, जो भी हमारे बॉडी की मूवमेंट्स होती है वो सारी मूवमेंट्स का कंट्रोलिंग करती है हमारी मस्क्यूलर सिस्टम, जिसमें क्या हुआ है मसल्स. जिम में जाते हैं जो कुछ लोग, तो वो उनके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, तो उनकी मस्कुलर सिस्टम पावरफुल हो जाती है, उनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है. फिर है हमारी नेक्स्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसके लिए आपको पता है कि हमारे टॉप टू बॉटम पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है. ओके, अब ये ब्लड का सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स थ्रू, और बाय पंपिंग. ये जो हमारा हार्ट है वो ऐसे मशीन की तरह कंटिन्यूसली रात दिन पंपिंग करता ही रहता है बिना थके. अगर हमारा हार्ट एक सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर देगा तो हम मर सकते हैं. कंटिन्यूसली हमारा हार्ट ब्लड को ऐसे पंपिंग करने का काम करता है. वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को लेता है और प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वैसे सारी ही सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एक भी सिस्टम ऐसी नहीं कि जिसके बिना हमारा बॉडी काम कर सकेगा. सभी की सभी फंक्शन, सभी की सभी सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, वो भी जरूरी है कि अगर ब्लड क्लोटिंग हो जाए तो वो पार्ट पूरा डैमेज हो सकता है. तो इट कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फॉर एक्सक्रिएशन. तो ये जो ब्लड है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में एनर्जी को भी स्प्रेड करता है. पूरे बॉडी में टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन और एनर्जी दोनों सप्लाई करता है. और इसके ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. नाउ है द डाइजेस्टिव सिस्टम, वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अभी आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये थोड़ा बेसिक ही है, अभी सेवन्थ स्टैंडर्ड में और टेंथ स्टैंडर्ड में आपको पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने का आएगा और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन स्टडी करने का आएगा. तो सबसे पहले डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहले जब हम कोई भी फूड का पीस हमारे माउथ में रखते हैं तो हमारे टीथ से उसके स्मॉल पीसेस हो जाते हैं और हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, बनती है ना सलाइवा लाड़, वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे फूड को एकदम सॉफ्ट बना देती है. सॉफ्ट बनने से वो फूड हमारी फूड पाइप, यहाँ पर फूड पाइप नहीं दिया है, चलो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ. ओके, हमने जो एक फूड का पीस मुंह में रखा वो पीस को हमने हमारे टीथ ने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया. फिर हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होती है जिसके लिए सैलिवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाती है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है हमारा फूड और हमारे गले के अंदर फूड पाइप पाइप होती है, जो फूड पाइप में से वो फूड नीचे हमारे स्टमक में एंटर होता है. ओके, तो हम अवर फूड एंटर इन अवर स्टमक थ्रू फूड पाइप. अब फूड हमारे स्टमक के अंदर एंटर हो गया, स्टमक के अंदर पहुंच गया. ओके, अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं. फिर वहां पर चर्निंग की प्रोसेस होती है.
चटनी मतलब जैसे आप चटनी मिक्सर में कैसे चटनी बनाते हो और वो गोल गोल घूमता है, वैसे हमारे पेट के अंदर डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होती है, फूड का चटनिंग होने लगता है और पूरा फूड का एक जूस बन जाता है और हमारे पेट के अंदर HCl एसिड भी होता है। तो ये एसिड क्या हेल्पफुल है कि अगर कोई पॉइजनस कीटाणु हमारे पेट के अंदर चले गए तो वो एसिड वो कीटाणु को मार देता है और हमें वो कीटाणु की असर नहीं होती। फिर स्टमक के अंदर चटनी होने के बाद वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में से न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब होते हैं। अभी हमने लेसन 12 में न्यूट्रिएंट्स के जो बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी किया था ना, फाइव न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन विटामिन वो सब, तो हमने जिस टाइप का फूड खाया है उस टाइप वो फूड में से जो जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए और पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि पानी में से भी मिनरल्स मिलते हैं और फिर वो बाकी का फूड है जो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं और वो एनस फूड हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरी हुई हमारी एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कि मुँह से लेकर जब भी हमने कोई फूड खाया हमको पता है कि कोई भी फूड हम खाते हैं तो हमको उससे एनर्जी मिलती है, तो तुरंत थोड़ी लेती है, ये सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद उसमें से मिनरल्स और उसके जो विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे बॉडी को उसमें से एनर्जी मिलती है। ओके, अब हम नेक्स्ट सिस्टम बन गई सिस्टम। तो दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। अब मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं कि हमने खाना खाया, ओके, तो क्या सारा का सारा फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं। अभी हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी किया कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से एनस थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है एनस थ्रू। और ये फूड की बात, अब हम जब पानी पीते वाटर, ओके, तो जब हमने पानी पिया तो आफ्टर सम टाइम हमको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ओके, तो यूरिन करने से हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये यूरिन का दूसरा नाम क्या है? वेस्ट मटेरियल। तभी आपको डॉक्टर बोलते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा? आपको ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। ज़्यादा वॉशरूम जाओगे तो आपका बॉडी का इतना कचरा वेस्ट हो जाएगा, तो आपका बॉडी कैसा हो जाएगा? एकदम प्योर हो जाएगा। ओके, तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी एक सिस्टम है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन से ऑर्गन्स कंसिस्ट है? कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ओके, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम जो करते हैं ना,
सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये प्रोसेस के ऑर्गन्स कौन से हैं? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ओके, हमारे गले में दो पाइप होती है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और विंड पाइप है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, विंड पाइप थ्रू लंग्स में वो हवा जाती है। अब क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यूजेस इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड गिव्स आउट द वेस्ट गैस। कौन सा वेस्ट गैस हम बाहर निकालते हैं बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO2। O2 मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ओके, तो आज हमने ये सारी सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे की और सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।